मैं आपका अपना लोकवाणी न्यूज चैनल से आज पहुंचा हूं पापला गांव में, जहां पर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं जो कि पापला से प्रधानपति चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे उनके बारे में। सर, आपका नाम अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मास्टर देवेंद्र है जी, और मैं पावला स्कूल में सरोज इंटर कॉलेज है जी, उसमें लेक्चर के पद पे हूँ। और प्रधानी का चुनाव चल रहा है जी, उसमें गांव के सम्मानित लोगों ने और मोहल्ले के लोगों ने मेरा नाम प्रपोज किया है जी। आने वाले समय में जब अधिसूचना जारी होगी, नामांकन होगा, तो गांव और मोहल्ले वाले नामांकन कराएंगे। मैं उसकी नतीजा उसके लिए आपके प्रधान जी, कई बार देखा गया है कि बड़े लोग दावेदारी आते हैं प्रधानपद के लिए, बहुत सारे वादे भी करते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं काम करने के। आपको क्या लगता है कि क्या कमी है बागपत पावला के गांव के अंदर, जो आप अगर प्रधान बनते हैं तो आपको उसके सबसे पहले श्रोता होता है? सर्वप्रथम आपका गांव में आने पर हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है, तो आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब आप जिस चीज़ के लिए आए हैं उसके लिए हम बताएं, हमारा बहुत बड़ा गांव है जी, लगभग इसकी 9000 की आबादी है और 6000 के आसपास इसकी वोटिंग है। हमारे यहाँ काम करने के बहुत तरीके हैं और बहुत रास्ते हैं, बहुत उस पर काम करना चाहिए जी। एक तो रास्तों की बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ, शॉर्ट रास्ते हैं, वो ठीक बन भी नहीं रहे, नालियों की दिक्कत है, पानी की निकासी की दिक्कत है। उत्तर दिशा में तालाब है और दक्षिण दिशा में सड़क पर नाली है, लेकिन वहां तक पानी नहीं पहुंचता। उसके लिए नाली की व्यवस्था गांव में हो जा तो पानी की निकासी हो जा, जो गांव में जल भराव हो रहे हैं तो उससे निजात मिल जाए, उससे निजात तो जैसे कि अभी आपने सुना, इनका कहना है कि जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है ग्राम पावला में, जो कि अगर प्रधानमंत्री हैं तो सबसे पहले इनकी जो मुख्य धारा होगी, प्राथमिकता होगी, वो जल निकासी की होगी जी। साथ ही कई बार देखा गया है कि राशन जो डीलर होते हैं जी, राशन की बहुत समस्या होती है जी। कई बार जो है पब्लिक अपने राशन के लिए आती है तो उनको जो है धिक्कार के सुनने में आता है कि धिक्कार के भगा दिया, राशन नहीं दिया। ऐसे लोगों पर आप क्या करेंगे? क्या आप राशन डीलर से बात करेंगे या जो लोग आपके पास आएंगे, कहीं आपके जो पूर्व में जो प्रधान रहे हैं उनकी तरह आपसे तो ऐसी कोई आशा नहीं रखा जाए? राशन डीलरों के पास में पहले से ही एक योजना होती है जी, गवर्नमेंट उसमें बीपीएल एपीएल और अंत्योदय के इनके कार्ड होते हैं, उस सूची के आधार पर राशन मिलता है, उनके आधार पर ही दिया जाता है। और अगर किसी को नहीं मिलता है तो उसकी बात उनसे हम करेंगे और उनको राशन दिलाएंगे, राशन दिलाएंगे। ये बहुत सुंदर बात कही, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रधान जी, ये बताओ आप एक बार कि जो ग्राम पावला है, जैसे कि अभी आपने कहा यहाँ पे 9000 की आबादी है और 6000 यहाँ पर वोटिंग है, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके की जो है आपको टारगेट आपका रहेगा, लक्ष्य आपका रहेगा जनता के बीच, क्या मुद्दे आपके रहेंगे, उन मुद्दों से आप रूबरू कराइए, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? अभी मैंने बताया था, सबसे पहले जो रास्तों की दिक्कत है हमारे यहाँ, पानी निकासी की है, सर्वप्रथम तो वो रहेगा। और हमारे यहाँ तालाब है जो लगभग 210 बीघे में है जी, तो उसकी सफाई करवा करके उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। उससे दूसरी तरफ 29 बीघे का तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। हमारे यहाँ शमशान है लगभग 7 बीघे में जी, उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। कब्रिस्तान है लगभग 4.5 बीघे में, बिल्कुल उसकी बाउंड्री कराएंगे और उसमें सौंदर्यीकरण कराएंगे। सभी का कार्य कराएंगे, जो भी समस्या जिसकी है उसको प्राथमिकता पे देंगे। पेंशन की समस्या बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल विधवाओं की और जो उम्रदराज लोग हैं, सीनियर सिटीजन, बिल्कुल उनकी पेंशन बनवाएंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे कार्य हम उनके लिए कराएंगे। और हमारा जो पेशा है वो एजुकेशन का है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी हो, हमारे बच्चे बहुत बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े और यहाँ सब
बुक्स उन्हें मिले। ये आपने बहुत अच्छी बात कही लाइब्रेरी की, ये मेरा सवाल अगली कड़ी में जुड़ने जा रहा था जो आपने कह चुके हैं। आपने हमारी एक तरीके से मुंह की बात छीन ली। ये बहुत बड़ी समस्या है गांव के अंदर, ये खाली ग्राम पावला की ही नहीं दिक्कत है, अदर गांव भी जो है वहाँ पे भी ये समस्या है एजुकेशन की, कि बाहर ट्यूशन के लिए कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही कि आपने लाइब्रेरी का निर्माण आप लोग कराएंगे ताकि बच्चा जो है बाहर ना जा सके। खासकर ये बताइए जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारें योजनाएं बनाती है, सब कुछ करती है, बजट भी पास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जनता के बीच तक नहीं पहुंच पाता। क्या आप ऐसा कोई प्लान, ऐसी कोई प्लानिंग करके जो पारदर्शिता जिसमें हो, आपका क्या मोटिव रहेगा इस चीज को लेकर, योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के? इसलिए उसमें 14वां वित्त आयोग था, सबको पता लग जाती थी कि कितना पैसा आवंटित हो रहा है। आज जनता जागरूक है और पता करती रहती है किस योजना के लिए पैसा आया है और प्रधान करवा रहा है या नहीं। अगर जागरूक प्रधान होगा तो बहुत कुछ करवा देता है, बहुत कुछ करवाता है। और रही जैसे हमने बताया कि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, इंटर में हमने इंटर कराया, पहले तो हाई स्कूल था और अब हमारी प्राथमिकता है कि उसे साइंस और कॉमर्स वर्ग से जोड़ा जाएगा। उसके बाद में यहाँ डिग्री कॉलेज भी बनवाया है, उसके लिए गांव के लोगों ने और हमने भी सहयोग करके जमीन आवंटित कराई और उसमें वो बन रहा है, कोई भी देख सकता है। ये आपने बहुत बढ़िया बात की, लाइब्रेरी का बहुत अच्छा प्रोसेस आपका है, आपने बहुत सारे विकास के मुद्दे जो है गिनाए हैं अभी तक, जनता हमारे माध्यम से जानेगी। जब ये चैनल पे चलेगा लोकवाणी के तो सबको पता चलेगा बाकायदा कि आपने क्या क्या बातें कही हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्रधान बनने के बाद में कुछ लोगों के तेवर जो है चढ़ जाते हैं और वो जनता को जनता नहीं समझते, एक परेशानी समझते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करेंगे? बहुत लोग शासक के रूप में पैदा होते हैं, अगर गांव की जनता ने हमें ये सहयोग करके इस पद तक हम भेजे तो हम सेवा करेंगे गांव की। हमारी प्राथमिकता में पहले हमारे यहाँ टंकी बनी हुई है, हॉस्पिटल बना हुआ है, तो टंकी का पानी बहुत स्वच्छ है, बहुत अच्छा है और हमारा पानी का वाटर लेवल जो है वो खराब हो रहा है जी। तो उसकी लाइन जो बिछी हुई है वो टूट चुकी, अब प्राथमिकता हमारी ये होगी कि लोहे की पाइपलाइन वहीं से गिरवा करके और घर की हर घर में उसको पानी भेजा जाएगा शुद्धता के साथ में, नीचे दबा करके नहीं ऊपर जी लेके लोहे की लाइन, ताकि वो दिखाई भी दे और कहीं उसमें कोई कमी भी ना आए। उसके बाद में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं वो एक आध घंटा के लिए आते हैं, हम ऐसी व्यवस्था की कोशिश करेंगे कि यहाँ 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध हो। उसके बाद हमारे सोसाइटी, खाद की सोसाइटी की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ जगह है, हम उस पर भी काम करेंगे कि हम जगह उपलब्ध कराएं और सोसाइटी बढ़वाएं। और पशुओं के अस्पताल के लिए भी हमने जगह देख रखी है, उसमें हम उसकी व्यवस्था कराएंगे कि यहाँ पशुओं का अस्पताल भी हो ताकि हमें कहीं दूर ना जाना पड़े। तो इस तरह की योजनाएं हैं हमारी, अगर ईश्वर ने और गांव की जनता ने हमारा सहयोग किया तो हम बिल्कुल खड़े उतरेंगे और विकास के काम। बहुत बढ़िया बात थी, बहुत बढ़िया बात थी। गुरु जी आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा और आपको बताना भी चाहूंगा कि नारी मिशन शक्ति जो हमारे प्रशासन जनपद बागपत में बहुत ही भव्य तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, बागपत के जिलाधिकारी हमारे बहुत ही एक्टिव तरीके से उसमें लगे हुए हैं प्रचार प्रसार करने में, नारी मिशन शक्ति का एक ही मिशन है कि नारी को सशक्तिकरण यानी कि नारी को मजबूत किया जाए, उनकी कला को पहचान करके उसको जो है बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उसमें पूरी तरीके से सरकार कर रही है। जिस तरीके आज महिला दिवस भी है जी, 8 मार्च है, 8 मार्च महिला दिवस भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा महिला और बेटियों के लिए आपकी क्या रूपरेखा रहेगी ग्राम पावला में जो एक मिसाल बन जाए और जो अन्य जो प्रधान अन्य गांवों के उनके लिए भी एक मिसाल बन जाए, कायम हो जाए, ऐसी क्या आपकी वो रहेगी? नारी सशक्तिकरण के लिए तो हमारा गांव बहुत एक्टिव है, हमारी लड़कियों को शिक्षा मिले
इसके लिए 95 में इंटर कॉलेज जो है जब ये आठवीं तक बनाया था, हमारी लड़कियां खट्टा स्कूल में पढ़ने जाती थी, तो हमारे बुजुर्गों ने घर घर जाकर के चंदा इकट्ठा किया और वो कॉलेज बनाया और धीरे धीरे करके आज इंटर कॉलेज है। हमारे यहाँ कोई भी जिसके घर में भी लड़की है इंटर तो जरूर पढ़ी हुई है और फिर डिग्री कॉलेज भी बना दिया जी। उसमें ये गांव की भी और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी सबकी सोच ये है कि 100% लड़कियां पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे पर पहुंचे। और हमारे यहाँ पुलिस में बहुत लड़कियां हैं और प्रशासनिक सेवाओं में भी जा रही हैं, तो बहुत बहुत शिक्षा की तरफ रुझान है बिल्कुल, और सभी का सम्मान किया जाता है। और आज 8 मार्च है, महिला दिवस है, तो सभी महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। बहुत सुंदर बात है। तो जैसे कि अभी आप गुरु जी को सुन रहे थे ग्राम पाबला से, जो कि भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ में अपनी ईमानदारी और पूरी कर्मठता के साथ में लोगों के बीच जा रहे हैं। उनके आशीर्वाद से उन्होंने ये चुनाव लड़ने का जो स्वीकारता है वो स्वीकार की है, उसके बाद में आज हम इनके बीच पहुंचे थे। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि मुद्दे भी बहुत हैं और अब बाकी देखना ये है कि अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है वोट के रूप में।